एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर मिस्टर चैंग और उनकी वाइफ हिंग आते हैं जो कि गुनचांग कंपनी के मालिक होते हैं। वहीं पर पार्टी के बाहर बैठ के एक असिस्टेंट अपने सीईओ को बता रहा था कि मिस्टर चैंग एंड यिंग कौन है। साथ ही वो बताता है कि गुनचांग ग्रुप का सबसे बड़ी राइवल एजी मेडिटेक है जिसकी डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मिन है। तभी वहाँ पे मिन की एंट्री होती है जो कि बहुत ही ज्यादा रेडी होकर पार्टी में आई थी। लोगों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिन पार्टी में आई है क्योंकि उसे इस तरह की सोशल गैदरिंग पसंद नहीं थी। वो आते ही मिस्टर चैंग से बातें करने लगती है एंड उनके साथ ड्रिंक करती है। तभी पार्टी में किसी की एंट्री होती है जो उन्हें साइड में खड़े हुए देख रहा था। मिस्टर चैंग मिन से बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करते हैं। मिन उनसे बात नहीं करना चाहती थी फिर भी उनसे बात करती है। जब वो वहाँ से जाती है तो मिस्टर चैंग उसे रोकते हैं जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर वो अचानक से उनकी गोद में बैठ जाती है जिससे सभी शॉक रह जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी चैंग की वाइफ यिंग आकर मिन के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उसे कहती है कि तुमने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं, जिसके बाद मिन उनसे माफी मांगती है एंड वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यिंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी जिससे वो ड्रिंक लेके उसके ऊपर फेंकने जाती है। लेकिन तभी एक आदमी आके मिन को बचा लेता है जिससे सभी शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जिनकी था जो कि ब्लू जे ग्रुप का सीईओ था। जब मिन उसे देखती है तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है। चैंग जिंग को देखता है और उसे पार्टी इंजॉय करने को कहता है और साथ ही चैंग अपने डायरेक्टर लिन जियो से मिन को वहां से लेके जाने को कहता है। लेकिन जिन कहता है कि उसने ऑलरेडी पार्टी इंजॉय कर ली है और वो मिन को लेके वहां से जाने लगता है जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। मिन जब जिंग से अकेले में बातें करती है तो उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती है। फिर वो जिंग से कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। जिन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुमने सालों पहले कहा था कि हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए लेकिन आज मैं तुम्हें इस तरह देख के कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिन हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उसका क्यूट सा बेटा होता है जो कि बीमार होता है। मिन उसे सॉरी कहती है इतना लेट आने के लिए। लेकिन जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपको काम है इसीलिए आप नहीं आ पाए। मिन खुश होती है अपने बेटे से बात करती है जहाँ पे पता चलता है कि उसके बेटे को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए मिन चैंग की पार्टी में गई थी क्योंकि चैंग के फादर एक बहुत ही कार्डियो सर्जन है और वो जॉन की सर्जरी करने वाले हैं। फिर अपने बेटे से बात करने के बाद वो बाहर जाती है जहाँ पे उसे डॉक्टर जांग मिलता है जो कि उसका फ्रेंड होता है और इतने सालों से वही उसके बेटे का इलाज भी करता है जो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो जॉन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जिन नहा रहा था और वो मिन के बारे में ही सोचता है। जब वो नहा के बाहर निकलता है तो उसका असिस्टेंट हार्डी उसे मिन के बारे में सब कुछ बताता है। पता चलता है कि मिन पहले गुनशाओ ग्रुप में ही काम करती थी लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम काम करने के बाद ही उसने कंपनी छोड़ दी थी एंड एजाइल मेडिटेक ज्वाइन करी थी और 2 साल में ही वो वहाँ की डायरेक्टर भी बन गई थी जिससे मिन भी सरप्राइज होता है। उसके बाद जिन को पता चलता है कि फिलहाल मिन मिस्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वो उसकी कोलैबोरेशन जिरान हॉस्पिटल के साथ करवाना चाहती है। नेक्स्ट डे जिन अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर उसे सब कुछ ठीक लगता है जिसके बाद रिपोर्ट्स लेने के लिए हार्डी वहाँ से जाता है जहाँ पर जिन वॉशरूम में अपने हाथ धो रहा था। तभी वहाँ पर जॉन भी अपने हाथ धोता है एंड दोनों की हरकतें सेम होती हैं जिससे जिन भी उससे इम्प्रेस होता है। फिर जॉन उसे टॉवल देता है और उसे कहता है कि वो बहुत ही प्रिटी है और वहाँ से चला जाता है। बाहर मिन जॉन को ही ढूंढ रही थी तभी वहाँ पे उसे जिन दिखता है जिससे वो शॉक रह जाती है। लेकिन तभी सामने से एक पेशेंट आता है जिन उसे टकराने वाला था जिससे मिन उसे लेके साइड में हो जाती है। इन दोनों एक दूसरे को देख के वहाँ पे शॉक होते हैं। जिन उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एजाइल मेडिटेक देखते हैं जहाँ पे सभी लोग न्यूज पढ़ रहे थे जिसमें मिन के बारे में ही रूमर्स थे कि उसने मिस्टर चैंग को सीड्यूस किया था। तभी मुयो आके सभी पे गुस्सा करने लगती है और जब मिन भी लोगों को बातें करते हुए देखती है तो वो उनसे कहती है कि तुम्हें लोगों के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए जिससे सब उसे सॉरी कहते हैं। उसके बाद मुयो एंड मिन बैठ के इसी बारे में बातें करते हैं जहाँ पे मुयो पूछती है कि तुम जिन को कैसे जानती हो लेकिन वो कहती है कि मैं जिन को नहीं जानती हूँ। तभी उनके बॉस का उन्हें कॉल आता है जिससे दोनों ही बॉस को मिलने जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनका मिस प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है जिससे दोनों ही शॉक होते हैं। बॉस बताते हैं कि वो प्रोजेक्ट मिन की वजह से कैंसिल हुआ है क्योंकि उसकी वजह से स्कैंडल क्रिएट हुआ और कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है जिससे वो कहती है कि मेरे पर्सनल अफेयर से कंपनी का क्या लेना देना है। लेकिन बॉस कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है तो वो कहती है कि मैं प्रोजेक्ट को वापस ले आऊंगी इसके लिए भले मुझे किसी से भी मिलना पड़े। फिर वो जिरान
हॉस्पिटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर से मिलने जाती है जिसका नाम जेसन होता है। जब वो ऊपर पहुंचती है तब वो देखती है कि वो शेयर होल्डर कोई और नहीं बल्कि जिन होता है, जिससे वो शॉक हो जाती है। जिन उसे कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता था ना कि मैं ही जेसन हूं, लेकिन उस पर वो मना करती है और उसे कहती है कि तुम प्लीज मिस प्रोजेक्ट कैंसिल मत करो, लेकिन वो वहां से जाने लगता है। जिससे वो उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे 10 मिनट दे दो, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूं। लेकिन वो उसे 10 मिनट देने से मना करता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो रोज ही उसके पीछे पीछे जाती थी और उसे 10 मिनट मांगती थी, लेकिन वो उसे टाइम देने से मना कर देता था और उसे रोज रोज इग्नोर करता था। अब एक दिन उसके प्रेसिडेंट के कहने पर जिन एक ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था, लेकिन वो जो लड़की थी वो उसे बहुत ही इरिटेट कर रही थी और ये सब कुछ चीजें मिन देख रही थी। फिर मिन आती है और वहां पर जिन से बहुत ही ज्यादा क्लोज होने लगती है, जिससे जिन भी कंफ्यूज होता है। मिन कहती है कि मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकाल दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मिस्ड प्रोजेक्ट के बारे में सुनने के लिए मुझे 10 मिनट देने पड़ेंगे, जिस पर वो भी अग्री होता है। फिर वो लड़की पूछती है कि ये कौन है, जिस पर जिन बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये बहुत ही इरिटेटिंग है, इसीलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता था, लेकिन अब ये यहाँ आ गई है तो हमें डेट नहीं करने देगी। जिससे गुस्सा होकर वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर जिन मिन को 10 मिनट देने के लिए अग्री होता है और 2 दिन बाद उसे कंपनी आने को कहता है, जिस पर वो भी अग्री होती है। अगले सीन में जिन अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पता चलता है कि 2 दिन बाद उसके बेटे की भी सर्जरी है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वो कहता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा क्योंकि जाओ बाबा ने मुझे कहा है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और बड़े होके मुझे आपका प्रोटेक्ट भी करना है। उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातों से मिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर जब जुआन सोने जाता है तो वो मिन से कहता है कि उसे डैडी चाहिए क्योंकि सभी बच्चों के पापा हैं, सिर्फ मेरे ही पापा नहीं है। जिस पर मिन उसे सोने को कहती है और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जिन वापस से आया हुआ था। उसके बाद हार्डी डॉक्टर के पास जाता है तो जिन वहां पे जाके बैठ जाता है। तभी जुआन वहां से निकलता है एंड वो जिन को देख के बहुत ही खुश होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर जुआन जिन के पास बैठ के उसे हग करता है और उसे पूछता है कि क्या वो मैरिड है, जिस पर जिन मना करता है। जिस पर वो पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिन उसके लिए भी मना करता है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे फादर बनोगे, जिससे वो कंफ्यूज होता है। जिस पर जुआन कहता है कि तुम बहुत हैंडसम हो और मेरी मदर ने कहा था कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। जिससे जिन को लगता है कि जुआन के कोई भी फादर नहीं है और वो उसके लिए थोड़े से बुरा फील करता है। लेकिन तभी वहाँ पे जाओ आ जाता है और वो जुआन को अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन जिन जुआन से पूछता है कि क्या तुम इसे अच्छे से जानते हो, तो वो हाँ करता है और अपने बारे में सारी डिटेल बताता है। जुआन भी जिन से कहता है कि वो जाओ को अच्छे से जानता है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जिन जुआन के लिए थोड़ा सा वरिड था, इसीलिए उसने जान को इस तरह रोका था। अब जाओ जुआन को लेके वहां से जाता है। अब जाओ इन जुआन के जाने के बाद जिन भी वहां से जाने लगता है। तभी वो मिन को उन दोनों के साथ देखता है और उसे लगता है कि मिन ने दूसरी शादी कर ली है एंड अपसेट होके वहां से चला जाता है। यहां पे अपने रूम में आने के बाद जुआन बताता है कि मुझे आज फिर से मिस्टर हैंडसम मिले थे और मैंने उन्हें फादर बनने के लिए पूछा। जिस पर मिन कहती है कि तुम ऐसा किसी से भी फादर बनने के लिए नहीं पूछ सकते हो और तुम्हारे पास ऑलरेडी बाबा जाओ हैं। तो जिस पर जुआन कहता है कि जाओ मेरे बाबा हैं, लेकिन मुझे एक फादर चाहिए क्योंकि सब बच्चों के फादर होते हैं। जिस पर जाओ कहता है कि मुझे तुम्हारी ऐसी बातों से बुरा लगा। जुआन उसे अच्छा फील करवाने के लिए कैंडी देता है और कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद मिन एंड जाओ बाहर जाते हैं, जहाँ पर जाओ बताता है कि कल जुआन की सर्जरी है। मिन कहती है कि मैं थोड़ा सा लेट आ पाऊंगी, तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तब तक जुआन के साथ रहूंगा। अब अगले सीन में जिन जब घर पे था, तभी भी वो मिन जुआन एंड जाओ के बारे में सोचता है एंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर मिन जब उसकी कंपनी में उससे मिलने आती है तो वो उसे इग्नोर करता है एंड उससे नहीं मिलता है। मिन बहुत देर तक उसका वेट करती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मिलता है। तभी मिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जुआन की सर्जरी टाइम से पहले होने वाली है और वो उससे मिले बिना सर्जरी में जाने के लिए अग्री नहीं है। इसीलिए वो मीटिंग छोड़कर अपने बेटे से मिलने चली जाती है। जब जिन को पता चलता है कि मिन उससे मिले बिना ही चली गई, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में जब मिन पहुंचती है तो जुआन उसे देख के खुश होता है और जुआन उसे कहता है कि मुझे पता था कि आप जरूर आओगी। फिर जुआन कहता है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मिन कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सर्जरी में जाता है और मिन उसे बाय करती है। मिन बाहर बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। तभी मुयू उसके पास आती है और उसे काम रहने को कहती है। यहाँ पे जिन मिस्टर चैंग के साथ गोल्फ खेलने गया था, जहाँ पर वो बताते हैं कि वो मिस्टर प्रोजेक्ट के कंपटीटर हैं। उन्होंने AGS प्रोजेक्ट बनाया है और उन्हें चाहिए कि उनकी कंपनी AGS में इन्वेस्ट करे। साथ ही वो मिन के बारे में भी उल्टी सीधी चीजें बोलने लगते हैं और कहते हैं कि मिन एक बहुत ही घमंडी लड़की है। जब वो हमारी कंपनी में काम करती थी तो उसने सडनली कंपनी छोड़ दी और जैसे ही उसने एजाइल मेडिक
तक ज्वाइन किया तो 2 साल में ही उसे डायरेक्टर बना दिया। अब इस टाइप की लड़कियां कितनी ही कैरेक्टरलेस होती हैं, ऐसा सुनकर जिन को गुस्सा आता है और फिर वो मिस्टर चैंग की इंसल्ट करता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर चैंग डायरेक्टर लिन से कहते हैं कि तुम्हें मेन एंड जिन का पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पता करना चाहिए, जिस पर वो भी अग्री करती है। यहाँ पे हॉस्पिटल में मिन को पता चलता है कि जुआन की सर्जरी कंप्लीट रही और बहुत ही सक्सेसफुल रही, जिससे वो अच्छा फील करती है एंड रोने लगती। उसके बाद मिन एंड मोयू एक्सरसाइज करने जाते हैं, जहाँ पे मोयू एंड मिन याद करते हैं कि फर्स्ट टाइम वो कंपनी की हायरिंग में मिले थे और मिन उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, फिर भी मोयू ने उसे जॉब दी थी एंड तभी से दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। उसके बाद मोयू मिन से पूछती है कि जुआन के फादर कौन है, लेकिन जिन उसे बताती है कि उसके बारे में मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ। अगले सीन में मिन वापस से जिन की कंपनी में जाती है, जहाँ पे हार्डी जाके जिन को बताता है कि मिन उससे मिलने आई है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब ये बात हार्डी मिन को बताता है तो वो कहती है कि अगर आपके पास 10 मिनट में मुझसे नहीं मिलने आएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी 10 मिनट बाद जिन का कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिससे वो बाहर आता है। मिन बताती है कि मैंने तुम्हारा कंप्यूटर ब्लॉक कर दिया है, अब तो मुझे 10 मिनट दो तभी मैं तुम्हारा कंप्यूटर खोलूंगी, जिससे जिन उस पर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही 10 मिनट दिए थे, लेकिन तुम उन 10 मिनट से पहले ही चली गई। वो कहती है कि मैंने बहुत देर तुम्हारा वेट किया लेकिन तुम बाहर ही नहीं आए, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जहाँ पर जिन कहता है कि 5 साल पहले मैंने भी तुम्हारा पूरे 3 महीने वेट किया था और तुम इतने कम देर वेट करके ही थक गई। जिस पर मिन कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे कभी भी मीटिंग के लिए नहीं बुलाओगे, और कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा कंप्यूटर ठीक करना है तो तुम्हें 2-3 दिन तो लग जाएंगे। उससे मीटिंग करने के लिए अग्री हो गए तो मैं अभी तुम्हारा कंप्यूटर खोल दूंगी। लेकिन तभी हार्डी आके कहता है कि जिन के पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और उसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। मिन भी उनके पीछे जाती है लेकिन जिन उसे इग्नोर करके कार में वहां से चला जाता है। आगे जाके हार्डी एंड जिन दोनों ही ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जिन को कहीं अर्जेंटली जाना था और उसके पास वेट करने का भी टाइम नहीं था। तभी वहां पे मिन आती है, जो कि स्कूटर पे थी, और वो जिन से कहती है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, तो उसके बाद बस मुझे बदले में तुम्हारे 10 मिनट चाहिए, जिस पर वो अग्री होता है। फिर दोनों उसके स्कूटर पे जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही स्पीड में चलाती है, जिससे जिन डरता है और उसका पैर पकड़ता है, जिससे मिन उसे पैर छोड़ने को कहती है। दोनों डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिन एक बच्चे से मिलता है। वो बच्चा जिन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जिन उसे स्ट्रांग रहने को कहता है और उसे बाय कहता है। मिन उसे पूछती है कि ये बच्चा कौन था। जिन बताता है कि ये बच्चा एक हार्ट पेशेंट था और वो अपनी सर्जरी के लिए फॉरेन कंट्री जा रहा था, इसीलिए मैं उसे कंपनी के बिहाफ पे बाय बोलने आया था। जिसके बाद दोनों ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद मिन कहती है कि तुम इतने सालों से हार्ट पेशेंट बच्चों को हेल्प कर रहे थे, तो फिर तो तुम्हें मिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली हार्ट पेशेंट वालों के लिए ही है। जिस पर जिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बिडिंग करवानी पड़ेगी, जो कि बस मुझसे नहीं बल्कि जिरान हॉस्पिटल के साथ भी होगी, जिससे वो अग्री करती है एंड स्माइल करती है। तभी जिन को पुरानी बातें याद आती हैं एंड वो वहां से चला जाता है। उसके बाद मिन जुआन से मिलने हॉस्पिटल में जाती है, जहां से पता चलता है कि जुआन को जल्दी ही डिस्चार्ज कर देंगे। तभी वहां पे मोयू आती है, जिन उसे गुड न्यूज देती है कि हमें बिडिंग में एंट्री मिल चुकी है, और वो कहती है कि हमें सबसे अच्छा बिड करना पड़ेगा, तभी हम गुंचाउस ग्रुप से जीत पाएंगे, जिस पर दोनों ही अग्री करते हैं। यहाँ पे मिस्टर चैंग जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो लिन उसका वेट करती है, जिससे वो जल्दी ही दरवाजे बंद करता है। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि मिस्टर चैंग एंड लिन का अफेयर चल रहा है, जहाँ पर वो लिन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जिन एंड मिन के रिलेशनशिप के बारे में पता करो। वो कहती है कि मैंने एक आदमी को पहले ही उस काम के लिए भेज दिया है, जल्दी हमें सब कुछ पता चल जाएगा। चैंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, बिडिंग तो हम ही जीतेंगे। उसके बाद वो उसे अपने हाथों से चॉकलेट भी खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ जिरान हॉस्पिटल के डायरेक्टर पू से कहता है कि बिडिंग होगी और आप उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना जो आपको सच में ऐसा लगता है कि पेशेंट्स के लिए अच्छा करना चाहते हैं। मिस्टर पू भी उस चीज पे अग्री करते हैं। फिर जिन वहां से जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में मिन एंड जाओ बैठे थे, तभी जुआन बाकी बच्चों को खेलते हुए देखता है ना, अपसेट होता है, जहाँ पे जुआन उसे समझाता है कि जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे एंड तुम भी बच्चों के साथ खेल पाओगे। तभी वहां से जिन निकलता है एंड तीनों को साथ में देख के गुस्सा होता है। फिर वो खुद का चेकअप करवाने के लिए जाओ को ही बुलाता है। जाओ उसका चेकअप करता है और कहता है कि अभी उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके डायग्नोसिस से जिन खुश नहीं होता है और उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता है, जिससे जाओ कहता है कि तुम एक काम करो, एक दिन के लिए यहाँ पे एडमिट हो जाओ, हम तुम्हारी हार्ट रेट देखेंगे एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, और ऐसा कहकर उसे वहां से जाने को कहता है। तभी वहां पे मिन एंड जुआन आ जाते हैं। मिन उसे देख के शॉक होती है। तभी हमें पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मिन एंड जिन बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, दोनों का ब्रेकअप हो गया था एंड जिन को भी हार्ट की कुछ कंडीशन थी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।